बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर बी एंड बी पार्ट, फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। दो डिजिट्स, दो फिगर्स हमें दिए गए हैं 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में पेज नंबर 23 पे है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बुक पे ही सॉल्व किया हुआ है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो डिफरेंट जो दिए गए हैं डिजिट्स वो 5 एंड 6, ये दो अलग अलग फिगर्स हैं। इनके पहले हमने मल्टीपल्स बनाने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीपल बनाना सीखा था और मल्टीपल बनाए थे, उसी को क्वेश्चन नंबर 1 के रूल को फॉलो करते हुए इस 5 और 6 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 60 तक, और ये नेक्स्ट भी के आगे 100 है, यानी आगे भी ये बनते जाएंगे। ऐसे ही जो दूसरा डिजिट हमारे पास 6 है, इसके भी मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 60 तक, इसके भी हमने मल्टीपल्स बना लिए। एलसीएम बनाने के लिए या एलसीएम लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो मल्टीपल दो डिजिट्स के बनाए हैं इसमें से हमने कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं। पहले कॉमन मल्टीपल लेंगे, कॉमन मल्टीपल्स फाइव और सिक्स के मल्टीपल्स में से जो कॉमन यानी दोनों तरफ मौजूद होगा उसे इस तरह हम मेंशन कर लेंगे, उनके गिर दायरा लगा लेंगे, 30 एंड 60 ये बन रहे हैं दो, इसके अलावा कोई नहीं, 30 एंड 60। अब ये जो हमने कॉमन मल्टीपल्स लिए हैं इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल CM इज इक्वल। LCM भी इसी लफ्ज से लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ही ये अदा दिए गए, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन एंड M फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो हमारे पास 30 है, इसी को हम LCM का नाम देते हैं। इस क्वेश्चन नंबर बी का जो टोटल यहाँ पे दिए गए हैं वो 10 पार्ट्स हैं, सारे इसी रूल्स के मुताबिक आपने सॉल्व करने हैं। पहले कॉमन, पहले मल्टीपल बनाने हैं, मल्टीपल बना के उनमें से ऊपर और नीचे जो दिए गए अदाद हैं, जो आपके पास मल्टीपल्स आएंगे उनमें से जो कॉमन होंगे वो आपने एज ए कॉमन मल्टीपल के तौर पर लिखने हैं, और उनमें जो सबसे छोटा आपका कॉमन मल्टीपल आया है उसे कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट्स मीन LCM, वो एज ए LCM के तौर पे, ज़ाफ़िकल के तौर पे मेंशन कर लिया जाएगा। इसके कुल 10 अज़ा हैं कि ये आपने इसी रूल के मुताबिक आपने खुद बकिया जो रह गए हैं वो सॉल्व करने हैं, इसकी असाइनमेंट बनानी है, टेस्ट की शक्ल में से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।